अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिसेस होते हैं। पहले देखते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जी ए जिसका ऑर्डर है एन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए टी टी मीन्स ट्रांसपोज इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल ए मैट्रिक्स। इसमें यह कहा गया है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ए का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें यह पता चल गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? बहुत दफा हम रिकॉल कर चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस वो तमाम मैट्रिसेस होते हैं जिन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, जिनका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल रखता है, उन तमाम मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं जिनका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है, उन तमाम मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एग्जांपल यहां पे दी है, लेट्स सपोज ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 3 2। अगर हम इसमें देखें तो ऑर्डर इसका 2 by 2 है, इट मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब हम देखते हैं जी कि ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप इसी वीडियो को यहां पे पॉज करें और पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वाली वीडियो को देख ले ताकि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो समझना आसान हो जाए। तो यहां पे हमारे पास एग्जांपल है जी, एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 3 3 2, 2 by 2 इसका साइज है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लू तो ये ए टी आ जाएगा इक्वल्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो इसका कॉलम है ओरिजिनल मैट्रिक्स का उसको रो में और जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। हम करते हैं जी, इस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 1 और 3 है, इसको मैं लिख देता हूं 1 3, ये रो थी यहां ये कॉलम बन गया। सेकेंड रो है 3 2 3 2, ये कॉलम बन गया। अगर आप इसको देखें तो मैंने ये वाला एलिमेंट जो है वो इधर लिखा है और ये वाला एलिमेंट जो है ये मैंने इधर लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ट्रांसपोज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया है। इसका ए 1 1th एलिमेंट 1 है, इसका भी ए 1 1th एलिमेंट 1 है, इसका ए 1 2th एलिमेंट 3 है, इसका भी 1 2th एलिमेंट 3 है, इसका 2 1th एलिमेंट जो है वो 3 है, इसका भी 2 1th एलिमेंट 3 है, इसका 2 2th एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 2th एलिमेंट 2 है। इट मींस के जब हमने ट्रांसपोज लिया है इसका तो वो इक्वल आ गया है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के। तो वो तमाम मैट्रिसेस जिनमें जब हम उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, तो वो तमाम मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर उसका एन है, इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। हमारे पास सिमेट्रिक में था कि ए का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल हो। यहां पे भी वैसे ही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन जब उसका ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए तो वो हमारा मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया जाता है। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल ये है कि ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ए का ट्रांसपोज करें तो ये रो 2 है, इसमें फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं 0 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूं -2 and 0, ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अच्छा जी, अब यहां पे तो लिखा है जी माइनस ए के इक्वल है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं बाहर तो ए का ट्रांसपोज बन जाएगा -0, क्योंकि 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो ये न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, तो इसका माइनस वैसे ही बाहर आ गया। -2 में का माइनस बाहर आया तो ये प्लस का 2 आ गया। इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब है 2 माइनस होंगे तो वो प्लस का साइन बनाते हैं। अब यहां पे पहले प्लस का साइन है, मैंने प्लस के साइन को 2 साइंस में डिवाइड कर लिया, तो एक साइन इसके साथ लग जाएगा
और एक साइन बाहर आ गया, जीरो एज इट इज। अब ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो है ये माइनस साइन बाहर, और अगर मैं इन एलिमेंट्स को देखूं तो ये यहां पे जीरो टू माइनस टू जीरो, जीरो टू माइनस टू जीरो, इसका मतलब ये ए के इक्वल आ गया है। तो जब हमारा आंसर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जी, तो मेरी कौम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा है कि वो तमाम मैट्रिसेस जिनका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उनका आंसर जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगर ट्रांसपोज लेने से ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो नेगेटिव ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें दो चीजें देखने वाली हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे जो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाएंगे, दूसरा उनका अगर ट्रांसपोज लेते हैं अगर तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।